सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, ढह गई फांसियों में हंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी नगर देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को हमारे पूरे विशाल खबर टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका अपना पत्रकार साथी एडवोकेट सुनील कुमार तिवारी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सतना जिला के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल के नेतृत्व में सतना के चिकित्सकों के एक बड़े दल ने शुक्रवार की सुबह सतना के सांसद गणेश सिंह से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। चिकित्सक के दलों ने मुलाकात के दौरान पश्चिम बंगाल में आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय कलकत्ता में महिला रेजिडेंस डॉक्टर के साथ हुई विभत्स रेप एवं मर्डर की घटना के जघन्य कृत्य के बारे में एवं सतना में समय समय पर असामाजिक तत्वों द्वारा चिकित्सकों के साथ हो रही अप्रिय घटनाओं के बारे में अवगत करवाया। गणेश सिंह ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निंदा की और कहा कि हमारे शहर में इस तरीके की घटना न हो, इस पर चिकित्सकों एवं एनजीओ के बीच समन्वय बैठक प्रस्तावित की है। वहीं शाम 4 बजे आईएमए ने आयुष्मान अस्पताल में आम सभा बुलाकर राष्ट्रीय आईएमए के राष्ट्रव्यापी सेवा वापसी आह्वान को सर्वसम्मति से अपनाया है। 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक ओपीडी तथा गैर इमरजेंसी कार्य बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि मरीजों के हित को देखते हुए इस दौरान इमरजेंसी कार्य प्रभावित नहीं रहेगा। आईएमए सदस्यों ने देश की सभी महिलाओं एवं आम जनमानस से इस सामाजिक समस्या से निजात पाने के लिए सहयोग प्रदान करने की अपील की है। चिकित्सकों ने पश्चिम बंगाल मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच, अपनी सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे एवं उन्हें सेफ जोन डिक्लेयर करने संबंधी अपनी मांग रखी। मुलाकात के दौरान डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर आलोक खन्ना, डॉक्टर आशीष जैन, राजेश जैन, सुनील अग्रवाल, मानिक चंद गुप्ता, MS तोमर, प्रवीण चौधरी, डॉक्टर संजीव प्रजापति, देवेश अग्रवाल, सुनील कारखोर, राजीव पाठक, सारिका कालरा, रेखा पांडे, डॉक्टर अनुज पांडे, संगीता जैन, नरेंद्र शर्मा आदि सैकड़ों डॉक्टर इस पूरे आंदोलन में उपस्थित रहे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।